सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। आज दिनांक 11 मार्च 2022 को जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर ने अपने कार्यालय कक्ष में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार से सम्मानित जीविका संपोषित मुशहरी प्रखंड के संगम संकुल संघ की दीदियों को बधाई दी। जिलाधिकारी ने संगम संकुल संघ की दीदियों का हौसला अफजाई करते हुए इसी तरह निरंतरता को बनाए रखने की कामना की। ज्ञात हो कि केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग माननीय श्री गिरिराज सिंह के द्वारा संगम संकुल संघ को राजधानी दिल्ली में आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार के लिए भारत के सभी राज्य से 5 से 9 साल पुराने संकुल संघ का नामांकन आया था, जिसमें सर्वाधिक 79% अंक प्राप्त कर संगम संकुल संघ ने इस पुरस्कार को अपने नाम कर लिया। संगम संकुल संघ का गठन मार्च 2012 में किया गया था, जिसमें अभी तक 549 स्वयं सहायता समूह, 44 ग्राम संगठन एवं 7000 दीदियां जुड़ी हुई हैं। संगम संकुल संघ की 62 दीदियों ने पंचायत स्तरीय चुनाव में भाग लिया, जिसमें 8 दीदियों को सफलता प्राप्त हुई। इसके बाद ही संगम संकुल संघ की दीदियों ने सामाजिक स्तर पर समाज सुधार हेतु शराबबंदी, बाल विवाह, दहेज उन्मूलन, चमकी को धमकी हेतु जागरूकता, कोविड टीकाकरण हेतु जागरूकता एवं अन्य सामाजिक मुद्दों पर घर घर जाकर जागरूक किया है। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त मुजफ्फरपुर, जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका एवं संगम संकुल संघ की दीदियां उपस्थित थी।